हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग नंट्स इक्वेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि नंट्स इक्वेशन क्या है, हाफ सेल का नंट्स इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का नंट्स इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इक्विलिब्रियम पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या वैल्यू होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली जो नंट्स इक्वेशन है वो तब यूज किया जाता है जब मेरा कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, यानी जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन वेरिएबल होता है तब जाके हम नंट्स इक्वेशन को यूज करते हैं। और अगर सिंपल रहा, जैसे कि दोनों ही हाफ सेल का कंसंट्रेशन वन मोलर करके रहा, इक्वल रहा, तो वहां पर जो है नंट्स इक्वेशन का यूज नहीं करते हैं, वो सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन जहां पर कंसंट्रेशन डिफरेंस रहता है या जहां पर कंसंट्रेशन वन मोलर नहीं रहता है दोनों ही हाफ सेल का, तो वहां पर हम क्या करते हैं, नंट्स इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आज का वीडियो नंट्स इक्वेशन का देखने के बाद आपको नंट्स इक्वेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए वीडियो, ठीक है। स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में, लेट अस स्टार्ट। तो यहां से सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंट्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हाफ सेल का नंट्स इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए एक हम हाफ सेल कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और इसमें जो है सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड जिस मेटल का उसी मेटल का सॉल्यूशन यहां पर लेंगे। सो इलेक्ट्रोड है यहां पे एम मेटल का, तो यहां पर एम कैटायन ले लेंगे। क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, यानी यहां पर हम लोग रिडक्शन का कंसेप्ट लेंगे। जैसे देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेटल है चार्ज कितना है एन प्लस, तो एन इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हुआ, क्योंकि हमको रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ना है। तो ये मेरा रिएक्शन हुआ, हाफ सेल रिएक्शन, ये मेरा हाफ सेल रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब यहां से इसका हम नंट्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। यहां पर ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई जीरो एम E0 M N प्लस M माइनस 0.059 बाई N log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये मेरा जो हुआ, ये हाफ सेल का नंट्स इक्वेशन हुआ, ये जो हाफ सेल हम कंसीडर किए हैं। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम लिखते हैं तो क्या कैसे लिखेंगे, यहां पे ई जीरो ऑफ ई सेल दैट इज एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई जीरो ऑफ एम एन प्लस एम माइनस 0.059 बाई एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग, प्रोडक्ट में कौन है कंसंट्रेशन ऑफ एम बाई कंसंट्रेशन ऑफ उसका कैटायन। यहां पर चूंकि जो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन होता है वो वन मोलर माना गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोड चूंकि सॉलिड है इसीलिए इसका कंसंट्रेशन वन मोलर माना गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी।
तो यहां पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, E0 of E cell Mn plus M is equal to E0 Mn plus M minus 0.059 by N number of electron log 1 by M to the power N plus। तो ये मेरा हुआ फाइनल, ये जो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हो गया, ठीक है। ये हो गया हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्रेस करने का तरीका, जहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को मेंशन करने से ही ऐसे आ जाएगा, क्योंकि मेटल का कंसंट्रेशन 1 रहा था, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है और ये सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू IUPAC 1 माना जाता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो ये हिसाब हुआ, ये जो भी कैलकुलेशन हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन है वो ऑब्वियसली 1 मोलर नहीं है। अगर यहां पर कंसंट्रेशन 1 मोलर रहता तो ये क्या हो जाता, 1/1 ये टोटल वैल्यू इसके बराबर हो जाता, ठीक है। अगर यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर एन प्लस ये 1 मोलर रहता, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन को मान के चलते हैं, अगर ये रहता इफ, तो यहां पर क्या होता, ये पार्ट 1/1 लॉग 1 0 ये पार्ट चला जाता, तो यहां पर क्या मिलता, E ऑफ M N प्लस M ऑक्सीडेट इज इक्वल टू E0 ऑफ M N प्लस M, ये वैल्यू मिलता, ठीक है। तो यहां से ये हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल एक्सप्रेस करने का तरीका हुआ नॉन सिक्वेशन में, कब, जब कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर नहीं रहेगा। ऑब्वियसली यहां पर जो है टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन, प्रेशर रहेगा 1 atm, बट कंसंट्रेशन यहां इस सिचुएशन में नॉट इक्वल टू 1 मोलर। कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर रहता है, यहां पर भी वही कंडीशन है, देखिए यहां पर ये कंडीशन फिक्स है, ये कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन ये चेंज हो रहा है। तो अगर यहां पर कंसंट्रेशन 1 मोलर करेंगे तो ये वापस स्टैंडर्ड कंडीशन में चला आया, ठीक है। तो यहां पर जो नॉन सिक्वेशन जो हम यूज करेंगे किस तरह के सेल के लिए यूज करना है, कंसंट्रेशन सेल के लिए नॉन सिक्वेशन यूज होता है, जहां पर कंसंट्रेशन वैरीज होता है, ठीक है। दोनों हाफ सेल का कंसंट्रेशन वैरीज होगा, ठीक है। अगर दोनों हाफ सेल का कंसंट्रेशन वैरीज होगा तो हम लोग नॉन सिक्वेशन यूज करते हैं। तो फिलहाल मैंने एक हाफ सेल का नॉन सिक्वेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो मैंने आपको दिखाया, आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, स्टैंडर्ड कंडीशन और में और नॉन सिक्वेशन में अंतर यही है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगा और नॉन सिक्वेशन में कंसंट्रेशन जो है वो वैरी करेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल किया जाए, क्वेश्चन, जिंक रॉड इज डिप्ड इन solution of Zn sulfate, ठीक है। The salt is 95% dissociated at 298 Kelvin. Calculate the
इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है, गिवन E0 ऑफ Zn2 प्लस Zn, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.-76 वोल्ट, ये दिया हुआ है ठीक है। हमको ये कैलकुलेट करना है, 0.1 मोलर है यहां पे, 95% डिसोसिएट होता है ठीक है। यहां पर रिडक्शन कैलकुलेट करेंगे, जिंक जो है 2 प्लस में दो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है, ओके। तो यहां से जिंक चूंकि रिएक्ट कितना किया है, रिएक्ट किया 95% रिएक्ट हुआ है, रिएक्ट 95% रिएक्ट किया है, तो यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कितना हो जाएगा, तो यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस रिएक्टेड कितना होगा, रिएक्टेड 0.1 मोलर है, उसका 95% रिएक्ट कर रहा है, कितना आएगा ये 0.1 इंटू 95/100, इतना मोलर, क्योंकि ये यूनिट मोलर में होगा, कितना लिख देंगे यहां पे, ये हो जाएगा 95 × 10⁻³ मोलर, कंसेंट्रेशन आ गया। अब हम यहां से जो है नंस इक्वेशन को लिखेंगे, नंस इक्वेशन क्या होता है, ई सेल हमको निकालना क्या है, यहां पे फिलहाल आप देखिए यहां पर हमको निकालना है ई ऑफ Zn2 प्लस Zn, ये वैल्यू कितना होगा ये हमको यहां से कैलकुलेट करना है ठीक है। ई जीरो दिया हुआ है तो यहां पर समझ में आ रहा होगा Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू ई जीरो ऑफ Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059/2, एन वैल्यू 2 है, लॉग कंसेंट्रेशन Zn का 1 होगा तो ये क्या हो 1/Zn2 प्लस ठीक है। यहां पर तो कंसेंट्रेशन 1 होगा ना, तो यहां पर तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये वैल्यू कितना दिया हुआ है -0.76 -0.059/2 log 1/95 × 10⁻³ ठीक है। सॉल्व करेंगे -0.76, ये हो जाएगा 0.0295 और ये हो जाएगा log 1000/95, कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करिए। यहां से ये 0.76, ये होगा -0.03, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0.79 वोल्ट ठीक है। तो यहां से ये बहुत ही इजी सवाल था ठीक है, खाली ट्विस्ट इतना था कि 95% रिएक्ट कर रहा है, तो 95% रिएक्ट कर रहा है, तो 95% रिएक्ट कर रहा है तो कितना Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन, Zn2 प्लस का कितना पार्ट रिएक्ट किया, इतना मोल रिएक्ट किया, इतना मोल रिएक्ट किया, तो उसका कंसेंट्रेशन यहां पर लिख दिया, और यहां पर जिंक का कंसेंट्रेशन क्या होगा 1 होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो यहां पर हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू E0 ऑफ Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059 फॉर्मूला का N2 log कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, चूंकि Zn2 प्लस Zn2 जो है सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये एक्वस सॉल्यूशन में है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 मोलर, तो बस वही चीज यहां पर है ठीक है, देख लीजिए ओके नाउ।
अब हम लोग नंट्स इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल पढ़ेंगे। ये तो हाफ सेल के लिए नंट्स इक्वेशन था हमने देखा, कंप्लीट सेल के लिए नंट्स इक्वेशन देखेंगे। नंट्स इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो लेट अस टेक अ डैनियल सेल, लेट अस टेक अ डैनियल सेल, ठीक है। तो डैनियल सेल का सेल डायग्राम क्या होता है, ZN2 प्लस डबल स्ट्रोक सॉल्ट ब्रिज का, कॉपर 2 प्लस कॉपर से इसका कंसेंट्रेशन C1 मोलर है, C1 मोलर, और इसका कंसेंट्रेशन C2 मोलर है, और इसका कंसेंट्रेशन C1 मोलर है। इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, ये तो एनोड का साइड है, ये कैथोड का साइड है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, वो रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये ZN 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हुआ, और एट कैथोड क्या होगा, कॉपर 2 प्लस उन दो इलेक्ट्रॉन को लेके डिपॉजिट हो गया। टोटल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गॉन, तो यहां से टोटल सेल रिएक्शन ZN कॉपर 2 प्लस ZN 2 प्लस और कॉपर, ये टोटल सेल रिएक्शन हुआ। तो ऐसे सेल का हम इस तरह के सेल का, चूंकि ये कंप्लीट सेल, हाफ सेल और हाफ सेल दोनों मिला के कंप्लीट सेल है, तो ऐसे सेल का हम रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सेल का, ये टोटल सेल हुआ ना, ये टोटल सेल रिएक्शन, तो टोटल सेल का कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। टोटल सेल का हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई एन, एन माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर एन मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ईच बैलेंस्ड हाफ सेल, इन ईच बैलेंस्ड हाफ सेल, ठीक है। ये आप जानते हैं इसलिए मैंने वहां पर मैं नहीं लिखा था, ठीक है, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं फॉर योर सुविधा के लिए। और यहां से ई सेल क्या होगा, ई जीरो सेल क्या है, ई जीरो सेल है ई जीरो ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई जीरो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ई जीरो सेल, यहां पर ये वाला चीज। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, ई सेल ऑब्वियसली ये मेरा कैसा, हम कंसेंट्रेशन सेल डिस्कस कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन सेल जहां पर कंसेंट्रेशन वेरिएशन है, कंसेंट्रेशन वेरिएशन है, देख लीजिए यहां पे, पर वेरिएशन है कंसेंट्रेशन। तो यहां पर ई जीरो ऑफ राइट हैंड साइड कौन है, ये है, तो कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस ई जीरो ऑफ ZN 2 प्लस ZN, ये हो गया माइनस 0.059 बाई एन, कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ टोटल सेल रिएक्शन, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ZN 2 प्लस बाई इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ZN और कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। चूंकि यहां पर ये दोनों सॉलिड है, चूंकि
कॉपर टू प्लस कॉपर और जिंक प्लेट है, सॉलिड है, वन मोलर कंसेंट्रेशन होगा, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो क्या यहां से मेरा आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो कॉपर टू प्लस कॉपर माइनस ई जीरो जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस 0.059 बाई टू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस, यही हिसाब हो गया। तो ये फाइनल फॉर्म हुआ, देख लीजिए ये फाइनल फॉर्म हुआ, जहां पर हम ये डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है ये देख लिया हमरा यहां पे, और ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला, ठीक है, तो यहां पर ई आर ई सेल, तो ये मेरा राइट हैंड साइड का हिसाब है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का हिसाब है, ये मेरा एनोड साइड है और ये मेरा कैथोड साइड है। मैंने बताया था आपको सेल डिजाइन करने के समय प्रीवियस वीडियो में, अगर वो नहीं देखे होंगे आप तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बस यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन है, कितना कंसंट्रेशन है, सी वन सी टू पुट करके फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसका वैल्यू तो दिया रहेगा, बस हो गया। इससे एक ऐसा सवाल हम लोग करते हैं, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एक ऐसा ही सवाल हम लोग करते हैं मोटा मोटी, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल डायग्राम दिया है, जिंक जिंक 2 प्लस 0.01 मोलर, डबल स्ट्रोक सॉल्ट ब्रिज का हिसाब है वो, एफ 2 प्लस इसका कंसंट्रेशन है 0.005 मोलर एफ। अच्छा, यहां पर ई जीरो दिया हुआ है, ई जीरो ऑफ जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस 0.76 वोल्ट, और यहां पर ई जीरो ऑफ एफ ई टू प्लस एफ ई ये दिया हुआ है माइनस 0.44 वोल्ट, ठीक है। तो सेल ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए ये बोल रहा है, क्या करेंगे यहां पर देखिए, यहां पर ये मेरा जो है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है, ये थोड़ा हम लोग लिख लेंगे तो हम लोग को मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। ऑब्वियसली यहां से भी आइडिया हो जा रहा है, ये राइट हैंड साइड में रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहां पर एट एनोड क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हुआ, और एट कैथोड क्या होगा, ये होगा। टोटल सेल रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गॉन, तो जिंक एफ टू प्लस जेड एन टू प्लस और एफ, ये हो गया मेरा टोटल सेल रिएक्शन। अच्छा, तो यहां से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल
इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमारा ई सेल लग रहा है, तो ई सेल यहां पर क्या होगा, ई जीरो सेल क्या हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ई जीरो सेल यहां पर क्या होगा, ई जीरो ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई जीरो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ई जीरो राइट हैंड साइड कौन है, ये मेरा राइट होगा और ये लेफ्ट है, तो यहां पर लिख लेंगे ई जीरो ऑफ एफ ई टू प्लस एफ ई माइनस ई जीरो ऑफ जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस 0.44 माइनस ऑफ माइनस 0.76, तो कितना आ जाएगा माइनस 0.44 प्लस 0.76, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 7.6 और 0.44 माइनस ये 2 ये 3। ठीक है, तो कितना आएगा प्लस 0.32 वोल्ट। ओके, इतना आ गया। ओके, यहां पर हमने कैलकुलेट किया। अब यहां से ये बड़ा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के हिसाब से सेट करेंगे। हमको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, तो ई जीरो सेल उसका वहां पर कितना आया, वैल्यू पुट करेंगे 0.3432 माइनस 0.059 बाई एन कितना है 2 है, यहां पे एन 2 है, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जिसका कंसेंट्रेशन जो चार्ज है वो उसी का हम लेंगे, जो अनचार्ज्ड है वो इलेक्ट्रोड है उसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर होता है। ठीक है, आईयूपीएसी के अनुसार, तो यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा जेड एन टू प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा एफ ई टू प्लस। देख लीजिए यहां तक, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 0.32 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग, जिंक का कंसेंट्रेशन कितना दिया है 0.01, इसका कंसेंट्रेशन कितना दिया आयरन का 0.005 माइनस 0.32 सॉरी 0.32 माइनस कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करिए, ये वाला वैल्यू पूरा कैलकुलेट करने से आ रहा है 0.0088, ये माइनस करने से 0.311 वोल्ट इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको हिसाब समझ में आ गया, देख लीजिए। ठीक है, सिंपल है, जस्ट ये फॉर्मूला हमने लिखा और इम्प्लीमेंट किया, ये फॉर्मूला हमने लिखा, ये मेरा फॉर्मूला है और इम्प्लीमेंट किया, देख लीजिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, ये आपको समझ में आ गया। एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं, तो आपको कंप्लीट जो गैल्वेनिक सेल है उसमें सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शंस एट 298 केल्विन। क्या है सेल रिएक्शन, SN 4 कंसेंट्रेशन ऑफ 1.50 मोलर प्लस जिंक सॉलिड है, यहां पर SN 2 प्लस इसका कंसेंट्रेशन है 0.5 मोलर और ZN 2 प्लस इसका कंसेंट्रेशन है 0.2 मोलर। ठीक है,
द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, हाँ द ई जीरो सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 0.89 वोल्ट, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें दिया है, विल द पोटेंशियल ऑफ सेल विथ पोटेंशियल ऑफ सेल विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ SN2+ इंक्रीज, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ SN2+ इंक्रीज। दो सवाल दे दिया इसमें, ठीक है, दो सवाल दे दिया, दोनों सवाल को हम लोग करेस्पॉन्डिंगली करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमको यहां पर E0 सेल दिया हुआ है गिवन में 0.89 वोल्ट, E0 सेल हमको दिया हुआ है, ठीक है, E0 सेल दिया हुआ है यहां पर, और मेरा सेल रिएक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग नॉन सिक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा है तो टू है, फोर से टू हो रहा है, यहां से यहां दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा है, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन सा, ये SN2+ ZN2+ by SN4+, ये है। तो ये वैल्यू कितना दिया है 0.89 माइनस ये 0.0295 होगा डिवाइड करने से, लॉग ये 0.5 इंटू 0.2 बाई 1.5 ये हो गया 0.89 माइनस ये कितना वैल्यू होगा कैलकुलेट करिए, ये आएगा 0.005 ओके माइनस ये प्लस आ जाएगा, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा 0.895 वोल्ट, ठीक है। तो ये पहला इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया। अब दूसरा चीज पूछ रहा है क्या, विल द पोटेंशियल ऑफ, विल द पोटेंशियल विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये वाला बढ़ेगा या घटेगा जब हम क्या करेंगे SN2 के कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ये चीज को हमको देखना होगा, SN2 का कंसेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, SN2 का है न्यूमरेटर में है, बाकी ये दोनों का कंसेंट्रेशन फिक्स है, इसके कंसेंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाई टू लॉग, यहां पर नीचे लिख रहा हूं, माइनस 0.059 बाई टू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ SN2+ प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ZN2+ प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ SN4+ प्लस। अब मेरा ये वाला अमाउंट बढ़ना है, ठीक है, अगर हम मेरा SN2+ का अमाउंट बढ़ रहा है तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, ये पूरा वैल्यू जो है घटेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, इसके सामने ये टोटल वैल्यू बढ़ेगा, दिस यहां पर विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ SN2+, ठीक है, विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ SN2+ क्या होगा, ये टोटल वैल्यू जो है, ये टोटल वैल्यू क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। तो ये जब जब पॉजिटिव ये ज्यादा बढ़ेगा, ये ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, वैल्यू कम आएगा, दैट मीन्स ई सेल कम होगा, ई सेल विल डिक्रीज। समझ में आया, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए यहां पर अगर हम इसका कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो टोटल का ये पॉजिटिविटी बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगा तो इससे घटेगा, तो इससे घटेगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू डिक्रीज होगा। यहां पर जैसे था, यहां पर जो मैंने लिखा था, ये कैलकुलेट किया था, यहां पर क्या आया था, माइनस ऑफ माइनस, ये टोटल आया था माइनस, दैट मींस यहां पर किसका वैल्यू बढ़ रहा है, ज्यादा है, यहां पे इसका वैल्यू ज्यादा है, SN4+ का वैल्यू 1.5 है, ये ज्यादा है, इसीलिए ये टोटल वैल्यू का टोटल इंफॉर्मेशन ये जो यहां तक है इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव आया है। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, इससे घटेगा, इससे घटेगा, यहां पर वैल्यू कितना है, 0.89 है, ये वैल्यू घटेगा, घटेगा दैट मींस E0 सेल, ई सेल घटेगा, सेल पोटेंशियल विल डिक्रीज, विल द पोटेंशियल ऑफ सेल विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ द कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज। अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा, सीधा हिसाब है, देख लीजिए। मतलब यहां पर जो है ये अगर बढ़ेगा, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कौन सा वैल्यू, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगा इसके बढ़ने से, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा मेरा, कम आएगा, कम आ गया, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल विल डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसा छोटा छोटा दो दो नंबर तीन नंबर का सवाल आएगा, ठीक है, आसान सवाल है। तो आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन का हिसाब है नंस इक्वेशन में, ओके, मिटा रहा हूं। यहां पर मैं एक स्पेशल चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, स्पेशल इंफॉर्मेशन, जो मेरा नंस इक्वेशन है वो हम नंस इक्वेशन क्या लिख रहे हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाए, दैट मीन्स से 1 मोलर चुकी, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू ई 0 सेल। तो चूंकि यहां पर 1 मोलर है तो यहां पर प्रेशर कितना था, प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है, 1 एटीएम प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर 298 केल्विन ही रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन यहां पर 1 मोलर हो गया, तो ये मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन आ गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको समझ में आ गया कि जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे, वहां पर जो हमारा रिएक्शन लिख रहे थे, उस रिएक्शन में जो आयंस था उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर था, इसी वजह से मेरा क्या हो रहा था, ये पार्ट पूरा 0 हो गया था, ठीक है। उस समय समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग सिंपल तब क्या कर रहे थे, ई सेल इज इक्वल टू ई 0 ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई 0 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये हम सिंपल कर रहे थे, ठीक है, ये हम सिंपल कर रहे थे। यहां पर भी E0 हो रहा है, लेकिन बात क्या हो रहा है, बात यहां पर ये हो रहा है, तब हम ये पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहे थे, ये पार्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अगर हम कंसीडर करते भी तो यहां पर हमारा क्या आता कि हमारा चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन था, तो ये 1/1 आ जाता, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता तब ये। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ नंस इक्वेशन, दैट मीन नंस इक्वेशन से ये हिसाब आ जा रहा है, ये वाला क्या है, ये वाला ये चीज है। तो जो हम बराबर ये क्या ई सेल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज अ स्पेशल केस
नंस इक्वेशन। हम लोग जब जब स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे थे ये कर रहे थे, हम कंसंट्रेशन के बारे में सोच नहीं थे, क्योंकि सोचना ही नहीं था, क्योंकि कंसंट्रेशन वन था, तो वन बाई वन होने से ये पार्ट जीरो हो जा रहा था, तब वो समय हम लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन चूंकि अब हम लोग नंस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे वो हमारा इन्फॉर्मेशन उसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली मिल रहा है, ये कंसंट्रेशन अगर वन मोलर हो जाए तो मेरा क्या होगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वन मोलर कब ले रहे थे, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये वाला कब ले रहे थे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन का हिसाब था, स्टैंडर्ड कंडीशन का। लेकिन जब कंसंट्रेशन में ना वन मोलर नहीं रहेगा तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, बाकी ये दोनों पैरामीटर वही रहेगा, तब मेरा कंसंट्रेशन सेल हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पार्ट, सेल पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सेल पोटेंशियल क्या होगा, देखा जाए। हम लोग जो है डैनियल सेल के को ही लेके करते हैं, समझने में सुविधा हो, क्योंकि डैनियल सेल मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में सेट हो गया है, तो मैं वही लेके करता हूँ। ये हो गया, ठीक है। से ये कंसंट्रेशन सी वन मोलर है, और ये है सी टू मोलर। ओके, देखिए स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है वो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, वो हमको अभी कैलकुलेट करना है, जस्टिफाई करना है। ध्यान से देखिएगा, इस साइड में मेरा क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, एट एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन का हिसाब अगर हम लोग लेके चलते हैं कि जिंक का जो जिंक प्लेट जो सिस्टम है हाफ सेल, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहां पर ये चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे, तो हम लोग यहां से क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है, हम सारा कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। लेकिन हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर मेरा ये साइड तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये साइड रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा ये क्या कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे मेरा कैलकुलेट होगा ई ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको हम लोग मालूम है हमको, हम इसको आसानी से ई रिडक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहां पर मेरा ये इसका करेस्पॉन्डिंग नंस इक्वेशन क्या लिखेंगे, Zn टू प्लस, ये हो रहा है ना, Zn से Zn टू प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पर करेस्पॉन्डिंग वैसे ही सारी चीजें लिखेंगे, E0 ऑफ Zn टू प्लस माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, log कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 plus by concentration of Zn, yes or no? तो चूंकि यहां पर इलेक्ट्रोड का जो कंसेंट्रेशन है वन मोलर है, चूंकि ये सॉलिड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ई Zn Zn2 plus इज इक्वल टू E0 Zn Zn2 plus माइनस 0.059 बाई 2 log Zn2 plus बाई 1।
लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ये चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, हम लोग क्या जानते हैं, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ई रिडक्शन होता है, ये हम जानते हैं। तो हम इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करके देखें तो हमारा क्या होगा, ई ऑफ, तो हम लोग लिख सकते हैं ये मतलब हो गया ई ऑफ Zn2+ है, ठीक है, तो इसको माइनस ऑफ ई ऑफ Zn2+ Zn रिवर्स करके लिख सकते हैं। इधर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां से ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं Zn माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Zn2+ माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हिसाब आ जाएगा, ई Zn2+ Zn इधर से माइनस, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, E0 ऑफ Zn2+ Zn माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई Zn2+ देख सकते हैं। अब चूंकि यहां पर मेरा कंसेंट्रेशन इसका बढ़ रहा है, ठीक है, हेयर Zn2+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो जब Zn2+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या होगा, Zn2+ का कंसेंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ये टोटल वैल्यू और नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू टोटल और नेगेटिव आएगा, कौन सा वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसे ही सवाल किए हैं कि यहां पर ये वाला पार्ट में आइए, ये वाला पार्ट जितना बढ़ेगा ये लॉग में उतना वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मींस ये सिर्फ ये वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, जितना ये बढ़ेगा तो यहां पर क्या, हेयर ये Zn2+ इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है, ई ऑफ Zn2+ Zn विल इंक्रीज, यही ना कि नहीं, यहां से ये अगर मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, दैट मींस लॉग में ये वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव आएगा, तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मींस ये टोटल वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग यहां से बता सकते हैं, आपको देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं तो समझ में आएगा, कि यहां से मेरा जो आया Zn2+ Zn इक्वल टू E0 ऑफ Zn2+ Zn माइनस, ये टोटल वैल्यू, चूंकि ये बढ़ रहा है तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगा, दैट मींस क्या होगा, E0 ऑफ Zn2+ Zn दैट मींस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ रहा है, दैट मींस ये क्या होगा, ये इंक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आई बात समझ में कि नहीं आई, हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, तो एक कंडीशन में हमने देखा जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे ये ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन जैसे हो रहा है, ये पार्ट का जैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा वो देख लेते हैं, दैट मींस यहां पर कंक्लूजन क्या है, ये साइड का मैं मिटा रहा हूं, ये साइड का मैं पूरा मिटा रहा हूं, देखिए दैट मींस यहां पर क्या कंक्लूजन आया, कि विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2+ द रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज, दैट मीन्स अगर मेरा एक ग्राफ से हम इसको समझना चाहें तो ये मेरा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल इधर, और ये हो गया रिएक्शन प्रोग्रेस, कर लिखा है रिएक्शन प्रोग्रेस, तो मेरा क्या होगा, मेरा इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है,
ई जेड एन टू प्लस जेड एन, ई जेड एन टू प्लस जेड एन इंक्रीज हो रहा है, यहां से ई जेड एन टू प्लस जेड एन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ओके। अब हम लोग इस साइड को देख रहे हैं, अगर कोई भी आपको डाउट होगा इससे चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग इस साइड वाले का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग कैथोडिक रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं। एट कैथोड, क्या होगा, रिडक्शन होगा, कॉपर जो है टू प्लस वो दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में रिड्यूस होगा, तो इसका हम अगर ई से लिखें, क्योंकि ये तो रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन ही फॉर्म में लिखेंगे, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए उसको पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिखें, इधर क्या हो रहा था, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, इस साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था इसीलिए इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिखें, लेकिन इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में मेरा रिडक्शन हो रहा है तो ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो कॉपर टू प्लस कॉपर इज इक्वल टू ई जीरो ऑफ कॉपर टू प्लस कॉपर माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, विथ टाइम कंसेंट्रेशन ऑफ ये डिक्रीज हो रहा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि वन मोलर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई जीरो ई कॉपर टू प्लस कॉपर इज इक्वल टू ई जीरो ऑफ कॉपर टू प्लस कॉपर माइनस 0.059 बाई टू लॉग 1 बाई कॉपर 2 प्लस। अब ये वाला मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंस कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस डिक्रीजेज, कन्वर्ट हो रहा है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें बार बार कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या वैल्यू डिक्रीज, तो डिक्रीज होने से यह क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू डिक्रीज होने से ये वैल्यू, ये वाला टोटल वैल्यू मेरा क्या आएगा, ये टोटल वैल्यू क्या आएगा मेरा, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दैट मींस ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये डिक्रीज होने से ये वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस नेगेटिव आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई कॉपर टू प्लस कॉपर इज इक्वल टू ई जीरो कॉपर टू प्लस कॉपर माइनस नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहां से अगर हम उसके लिए करते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ई जीरो ई ऑफ कॉपर टू प्लस कॉपर डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ रहा है, यहां पर मेरा एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ रहा है, ये जहां पर ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस यहां पर एक क्या होगा, ई सेल क्या होगा, ये वाला वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और ये वाला वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ई सेल क्या होगा मेरा, ई सेल जीरो होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जो चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज रेट ऑफ चेंज इन इससे इसमें, ठीक है, और इससे इसमें दोनों सेम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इससे इसमें और इससे इसमें चेंज होने का रेट सेम होगा, तो जब रेट सेम होगा तो क्या होगा, यहां पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम नहीं चेंज हो रहा है ना, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये तो पैरेलल जा रहा है, रिएक्शन प्रोग्रेस पैरेलल जा रहा है, दैट मींस यहां पर जो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सेल पोटेंशियल वो जीरो हो रहा है, ठीक है, यहां पर तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये यहां कहा जाएगा नो चेंज इन सेल पोटेंशियल, ठीक है, तो दैट मींस एट इक्विलिब्रियम द ई सेल विल बी इक्वल टू जीरो,
देख लीजिए, मतलब यहां पर ये एक वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर अब तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना, ये पर्टिकुलर जोन के बाद से तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर नो चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो नहीं चेंज हो रहा है, दैट मींस ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सेल पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा है, तो कांस्टेंट हो गया, तो जीरो ही हुआ ना, चेंज तो जीरो हो रहा है ना, बात समझ में आई, नो चेंज इन सेल पोटेंशियल, दैट मींस एट इक्विलिब्रियम नो चेंज इन सेल पोटेंशियल, नो चेंज इन सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस क्या हो रहा है, ये देयरफॉर ये जीरो, ओके तो अगर यही हो गया तो इक्विलिब्रियम पर मेरा क्या इंफॉर्मेशन आएगा, मिटा रहे हैं सारा सारा चीज, देख लीजिए, नोट डाउन करना है तो कुछ कर सकते हैं, कर लीजिए नाउ, तो ये अगर मेरा यही सब कुछ सही रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट मींस यहां पर क्या आया, एट इक्विलिब्रियम द सेल पोटेंशियल विल बी जीरो, तो सेल पोटेंशियल जीरो, तो मेरा सेल रिएक्शन सेल पोटेंशियल नंट्स इक्वेशन के हिसाब से कैसे निकालते हैं, ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये वाला वैल्यू जीरो है तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो है तो E0 सेल माइनस 0.059 बाई 2, यहां से ये इक्वेशन के लिए लॉग टोटल सेल रिएक्शन क्या होगा, Zn कॉपर 2 प्लस Zn 2 प्लस कॉपर, ये टोटल सेल रिएक्शन है, टोटल सेल रिएक्शन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Zn 2 प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग, ये क्या है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो देयरफॉर हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, न्यूमेरिकल किया जाए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पर सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सवाल किया जाए तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन टू Fe 3 प्लस 2 I माइनस से 2 Fe 2 प्लस और I 2, ये रिएक्शन है, इफ E0 सेल इज इक्वल टू 0.235 वोल्ट, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये यहां पर मेरा ये इक्वेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे कितना चेंज हो रहा है, यहां पर कितना 3 दुना 6 है और यहां पर 2 दुना 4 है,
तो चार्ज डिफरेंस, चार्ज चेंज कितना हो रहा है, दो का चार्ज चेंज हो रहा है तो एन इक्वल टू टू होगा, चार्ज दो का चेंज हो रहा है देखिए टू माइनस जीरो, तो चार्ज कितना का चेंज हो रहा है, दो का, तो एन इक्वल टू टू। तो यहां से जीरो सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस किए, हमको क्या कैलकुलेट करना है, के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू कितना है 0.0059 बाई एन, इस इक्वेशन के लिए 2 है तो 2 लॉग के इक्विलिब्रियम, देयरफॉर लॉग के इक्विलिब्रियम कितना होगा 0.235 इंटू 2 बाई 0.059, कितना वैल्यू आएगा, ये होगा 5 × 10 7, 2 × 4 0.470 डिवाइडेड बाय 0.059, ठीक है। देयरफॉर लॉग टू दी बेस कितना होता है 10 होता है, तो के इक्विलिब्रियम एंटी लॉग का हिसाब लगाएंगे तो 10 to the power ये वैल्यू आएगा 0.470 डिवाइडेड बाय 0.059, कितना वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 9.25 इंटू 10 to the power 7। एक ऐसा ही एक प्रॉब्लम दे रहा है, इसको करिए, इस बार खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन है Cd2+ एक्वस प्लस जिंक सॉलिड से Zn2+ एक्वस प्लस कैडमियम सॉलिड, इफ E0 कैडमियम 2+ कैडमियम -0.403 वोल्ट एंड E0 ऑफ Zn2+ Zn -0.76 वोल्ट, कैलकुलेट करिए। इन दिनों में सबसे पहले हमको E सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से E0 सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, E0 ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E0 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, कौन राइट में होगा कौन ज्यादा है, ये वाला ऑब्वियसली ज्यादा है, ये कम है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और ये मेरा राइट हैंड साइड में रहेगा, तो हिसाब समझ में आ गया। तो यहां से E0 ऑफ कैडमियम 2+ कैडमियम माइनस E0 ऑफ Zn2+ जिंक -0.403 माइनस ऑफ -0.76, ठीक है, तो कितना जाएगा -0.403 प्लस 0.76, तो यहां पर 0.76 और यहां पर 0.403 माइनस में कितना आ जाएगा 7, यहां पे 5, यहां पर कितना 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा प्लस 0.357 वोल्ट जो है नंबर ऑफ चार्ज, यहां से चार्ज का डिफरेंस कितना होता है, देखिए यहां से 2 का डिफरेंस यहां हो रहा है और 2 का डिफरेंस यहां हो रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2n का वैल्यू, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं
E0 सेल 0.059 by N log concentration of product by concentration of reactant. तो यहां पर 0.059 by 2 log K equilibrium. ओके okay, और ये वाला वैल्यू कितना आया है 0.357. तो लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.357 इंटू 2 बाई 0.059. ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा? तो ये वैल्यू आएगा 12.1, अप्रॉक्स 12 ले सकते हैं. ठीक है ना, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स ही ले लेंगे, 12 के हिसाब में आ जाएगा. देख लीजिए. तो बच्चों, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास. आज का क्लास थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहा. बहुत सारी नई चीजें हमने देखा और सीखा भी कि हाफ सेल का नंड्स इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का नंड्स इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इक्विलिब्रियम पर सेल पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है, ये एक नई बात हमने सीखी और क्यों होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया भी. एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, ये भी हमने देखा. ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में हमने गैल्वेनिक सेल से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखा था, अभी हमने सेल पोटेंशियल से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखा. ठीक है, अगर आपने पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा. ठीक है, वहां पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कशन किया था और वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि उसके बाद आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी कंसेप्ट जो भी डाउट होगा वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी को भी जरूर दबा दीजिएगा, अच्छे कमेंट्स लिख दीजिएगा. ठीक है, लाइक बटन को भी पूरे जोर लगा के दबा दीजिएगा. ठीक है, थैंक यू, बाय.